करेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं जो लैंग्वेज को यूनिक बनाते हैं? आई थिंक साउंड तो सभी एनिमल्स के पास भी कुछ साउंड है एंड दे ऑल्सो कम्युनिकेट। जिनके घर में पेट्स होंगे उनको पता होगा कि उनको जब भूख लगती है, आपके घर में भी है छोटा सा पपी है, तो उसको जब भूख लगती है वो तो कम्युनिकेट करती है ना। जी तो इस तरीके से हर एनिमल से कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी लिविंग बीइंग्स है, इंसेक्ट्स है, सब अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बट ह्यूमन लैंग्वेज दैट इज यूनिक इन सम सर्टेन वेज। इसी को आप हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए कुछ और हमारे साथियों से हम कुछ सिचुएशन शेयर करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक मदर एंड डॉटर, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है। सो द डॉटर मे शी माइट शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड उसने शेयर किया कि समहाउ शी मिसप्लेस्ड हर क्रेयॉन बॉक्स एंड वो अभी एंग्जियस हो रही है कि कल तो प्रोजेक्ट जमा करनी है, सबमिट करनी है, कैसे कंप्लीट करे, उसके पास क्रेयॉन नहीं है। तो उसके मदर ने उसे अश्योर किया, उसे बताया कि डोंट बी एंग्जियस, डोंट वरी, वी विल बाय अनदर वन टुमारो, वी विल बाय अनदर वन, जब हम स्कूल में जाएंगे रास्ते पे खरीद लेंगे, ऐसा बताया। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, उसने एक चीज उसने मिसप्लेस कर दी, वो घर पे आके मम्मी को बता रही है और मम्मी फिर आगे बता रही है, उसका सोल्यूशन दे रही है कि हम कल जब जाएंगे तब हम ले लेंगे। तो ये सिचुएशन है। अभी एक क्वेश्चन है वैदेही, इसमें एक और स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज हेल्प्स अस टू टॉक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। कि ये जो सिचुएशन मैंने शेयर किया उसमें पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स दिख रहा था क्या उनके कन्वर्सेशन में? एंड आप सोच के बताइए कि लैंग्वेज के थ्रू हम पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ये सही है या गलत है? आप एग्री करते हो या नहीं करते हो, बताइए। जी जी तो ये भी अगर वो सिचुएशन देखें मदर और डॉटर वाली, तो जी उसमें जो डॉटर है वो बोल रही है टुडे आई हैव मिसप्लेस्ड माय बॉक्स ऑफ क्रेयॉन। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर आज का मेंशन हुआ है, और जब मदर उनको रिस्पॉन्ड करती है ये बोलकर कि कोई बात नहीं, अगर आपसे मिसप्लेस हो गया है तो हम टुमारो वी विल गेट यू अनदर बॉक्स ऑफ क्रेयॉन। तो आई थिंक इसमें जो स्क्रीन पे मैं देख पा रही हूँ, लैंग्वेज हेल्प्स अस टू टॉक अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स, आई थिंक आई विल अग्री। आई थिंक ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैंग्वेज के थ्रू हम पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द सिचुएशंस, द इवेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट विद अस, कि हमारे सामने वो प्रेजेंट नहीं है, बट आई कैन टॉक अबाउट आवर विच थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी मेरी माँ अगर मेरे सामने नहीं है, यहाँ पे जयपुर में नहीं है, बट आई कैन स्टिल टॉक अबाउट हर, आई कैन स्टिल टॉक अबाउट द कॉलेजेस इन देहरादून, वो हमारे सामने नहीं है, है ना। तो ये लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैंग्वेज के थ्रू ही हम ये कर पाते हैं। तो इसको डिस्प्लेसमेंट, टेक्निकल टर्म्स में इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू हम पास्ट इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स, या हम कोई इमेजिनेशन के जो भी हम कुछ थिंकिंग करते हैं जो प्रेजेंट नहीं है वो हम करते हैं। तो फिक्शंस जो होते हैं, जो लोग फिक्शंस फेयरी टेल्स पसंद करते हैं, वो सारे इसी लैंग्वेज के इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके वो क्रिएट किया जाता है। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वेदी।